उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर मुख्य चौराहे पर कांग्रेसियों ने झांझ बजाकर विरोध जताया और नाराजगी जाहिर कर ज्ञापन सौंपा। उज्जैन शहर में प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तों श्रद्धालुओं ने अलग अलग शहर और राज्यों से पहुंचे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए भक्त और श्रद्धालु कई प्रकार से परेशान होते हैं। कई प्रकार की समस्याओं से इन भक्तों और श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वो मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार करें। बाहर से आने वाले भक्त परेशान ना हो, उनकी समस्या का निराकरण हो, उनको सही काम उनका सही तरीके से हो, उसी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने झांझ बजाकर मुख्य चौराहे पर बैठकर विरोध दर्ज कराया और नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन सौंपकर मांग की व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किस प्रकार से दर्ज कराया जा रहा है, किस प्रकार से क्या जो विरोध है, वो जो ऑनलाइन परमिशन चल रही है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आना है, तो आपके पास में सबसे पहले स्मार्टफोन होना जरूरी है। उस स्मार्टफोन के माध्यम से आपको परमिशन मिलेगी और फिर आप महाकाल बाबा के दर्शन कर सकेंगे। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जो सामान्य व्यक्ति है जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है, वो महाकाल बाबा के दर्शन नहीं कर पाएगा। हमारा विरोध था कि भस्म आरती जो ऑनलाइन परमिशन होती थी, जिसकी परमिशन की जाती थी फॉर्म दे करके, वो बंद किया जाए। तो वो बंद करने की बजाय सामान्य दर्शन को ऑनलाइन कर लिया इन्होंने, और लॉकडाउन था तब तक आपने सब कुछ चलाया। मेरा पूछना एक चीज़ से है, कलेक्टर साहब मैसेज नहीं करते ऊपर कि एक व्यक्ति परमिशन करवाता है, वो 10 लोग साथ में जाते हैं तो वो दर्शन ही करके आ रहे हैं ना वहाँ पर, तो अगर मतलब उसके पास में परमिशन होगी तो कोरोना नहीं होगा, और परमिशन नहीं होगी और सामान्य रूप से चले जाएगा 10 लोग अंदर दर्शन करने के लिए, उसको कोरोना हो जाएगा। मतलब ये क्या लगा रखा है, ये कैसे लॉजिक है और ये किन लॉजिक के आधार पर ये सब किया गया है। हमारा विरोध एक और ये है कि भस्म आरती बंद की गई थी जिसमें सामान्य लोगों का, तो जो सामान्य लोग हैं उनका प्रवेश वापस चालू किया जाए भस्म आरती के अंदर, और ऑनलाइन परमिशन बंद की जाए। इसके अलावा जब लॉकडाउन अभी दुकानें बंद हुई थी, आज के समय में पूरे देश की सारी दुकानें चालू हो चुकी है, लेकिन महाकाल मंदिर के फूल प्रसाद बिलपत्र इनकी दुकानें आज भी शुरू नहीं की गई है। आज भी महाकाल बाबा को फूल प्रसाद बिलपत्र चढ़ाने के लिए परमिशन नहीं है, तो वो भोलेनाथ जो एक लोटा जल और एक बिलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, ऐसे महाकाल बाबा को पूर्ण शास से दूर किया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। राज्य शासन, केंद्र शासन और स्थानीय जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो इन बातों की तरफ ध्यान दें। ये हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनके खिलाफ है ये सब, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये सब शुरू होना चाहिए। आने वाले समय में देखते हैं, अभी तो अधिकारी आएंगे, बात करने के लिए मैसेज आया है उनका, उनको हम ज्ञापन देंगे। अगर नहीं मानते हैं तो हम बृहद स्तर पर इसका विरोध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।